छोटी सी कहानी पर बड़ी सीख। एक बार एक चोर ने कसम खाई कि जिंदगी में मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। परंतु पैसे से तो वह चोर था, और आप सब जानते हैं कि झूठ तो चोर का सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है। एक दिन वो अपने 3-4 गधों पर सामान के गट्ठर रखे हुए जा रहा था। रास्ते में पुलिस चेक पोस्ट पड़ी। उसके पास एक दरोगा आया और पूछा कि तुम कौन हो और क्या करते हो। सामने से जवाब मिला, नसरुद्दीन हूँ और चोरी करता हूँ। दरोगा हैरान हो गया। उसने सरे गट्ठर खुलवाए और चौंक गया। ज़्यादा कुछ मिला नहीं सिवाय कुछ लड़कियों के। उसने नसरुद्दीन को जाने दिया। कुछ दिनों बाद नसरुद्दीन फिर वही चेक पोस्ट पार कर रहा था। फिर वही दरोगा और पूछा, अब भी चोरी करते हो क्या? नसरुद्दीन ने कहा, हाँ चोर हूँ तो चोरी ही करूँगा। दरोगा ने फिर से सारा सामान खुलवाया और चेक किया, और फिर से कुछ नहीं मिला। ये सिलसिला पूरे 20 सालों तक चलता रहा। वो दरोगा रिटायर हो गया, लेकिन उसे यही एक बात खलती रही कि चोर ने सामने से कबूल किया कि वो चोर है, फिर भी वो कुछ बरामद नहीं कर पाया, चोरी साबित नहीं कर पाया। एक दिन नसरुद्दीन दरोगा जी को बाजार में मिल गया। वो लपक के नसरुद्दीन के पास पहुँचा और खींच कर चाय की दुकान पर ले गया। चाय ऑर्डर किया और बोला, मेरे साइन में ये सवाल रोज चुभता है कि तुम आखिर चुराते क्या थे? अब तो मैं दरोगा भी नहीं रहा, तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, तो मेरी सती के लिए मुझे बस एक बार बता दो कि आखिर तुम चुराते क्या थे। 100 बार मैंने तुम्हारे गधों की और तुम्हारी तलाशी ली, पर मिला कुछ भी नहीं। ऐसी कौन सी चीज़ तुम चुरा कर चेक पोस्ट पार करते थे? नसरुद्दीन ने चाय की एक चुस्की ली और बोला, अब गधे में गधे चुराता था। दरोगा जी पूरी जिंदगी गधों पर लड़ी हुई गठरी देखते रहे, ये नहीं देख पाई कि चोरी तो दरअसल गधे की हो रही है। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कृपया कमेंट करके बताएं।